अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 9 परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम स्लो हीटिंग से पहले आइस को कन्वर्ट करेंगे वाटर में और फिर वाटर को स्टीम में, और फिर हम टेम्परेचर और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उसमें थर्मामीटर, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, आइस, ग्राफ पेपर और स्टॉपवॉच। इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑपरेटर्स हैं वो ये हैं, बंसन बर्नर ये हमें चाहिए, ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आयरन स्टैंड है, और इसके अलावा बीकर, बीकर में आइस है, और आइस के अंदर हमने थर्मामीटर रखा हुआ है, और थर्मामीटर हमने इसके प्लेस किया हुआ है ताकि इनिशियल 0 मिनट पे जो हमारे पास रीडिंग है वो आ सके। इसके अलावा स्टॉपवॉच चाहिए, और इसके अलावा जो है मैच बॉक्स चाहिए। स्टॉपवॉच से हम टाइम नोट करेंगे, ठीक है। थर्मामीटर को आयरन स्टैंड के साथ इस तरह से अटैच करना है कि थर्मामीटर का जो एंड है वो बीकर के बॉटम के साथ जो है वो अटैच ना हो, या बीकर के बॉटम को टच ना करे, यानी कि बीकर का जो बॉटम है उससे ऊपर ही रहे थर्मामीटर, ठीक है। सो अभी हम स्लो हीटिंग कर रहे हैं। स्लो हीटिंग करते हुए हमने हर 5 मिनट बाद जो है वो टेम्परेचर नोट डाउन करना है। सो 0 मिनट पर जो हमारे पास टेम्परेचर था वो था -20 डिग्री सेल्सियस, आइस सॉलिड स्टेट में थी। 5 मिनट बाद जो था वो -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, आइस स्टिल सॉलिड स्टेट में थी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मतलब 10 मिनट पे क्या हुआ, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, आइस मेल्ट होना शुरू हो गई। 15 मिनट पे भी 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। और 20 डिग्री पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है और आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो हम स्लो हीटिंग कर रहे हैं वो सबसे पहले क्या करेगी, वो आइस को पहले मेल्ट करेगी। जब तक आइस सारी जो है वो मेल्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएगी फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो हम रीडिंग नोट डाउन करेंगे हर 5 मिनट बाद। और फिर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट हो आएगा तो टेम्परेचर अगेन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस ली हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेबल में मेंशन करेंगे। सो स्टार्टिंग में जब हम हीट नहीं कर रहे थे तब 0 मिनट था और उस पर जो टेम्परेचर था आइस का वो -20 डिग्री सेल्सियस था। जैसे हमने हीट करना शुरू किया उसके 5 मिनट बाद टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आइस स्टिल सॉलिड स्टेट में थी। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद जो है, हीट करने के 10 मिनट बाद जो है वो टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और आइस ने मेल्ट होना शुरू कर दिया, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। और आप देखें टाइम बढ़ता जा रहा है, 15 मिनट पर टेम्परेचर अगेन 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस मेल्ट हो रही है, 20 मिनट पर अगेन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस मेल्ट हो रही है। और ये हीट करने के बावजूद टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले हीट करने से क्या होगा, सारी की सारी आइस मेल्ट होगी और जैसे ही वो सारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आएगी फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप देखें 25 मिनट पर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया 10 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट पर टेम्परेचर फिर मज़ीद इंक्रीज़ कर गया 20 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह 35 पे 30 डिग्री सेल्सियस, 40 पे 40 डिग्री सेल्सियस, 45 पे 50 डिग्री सेल्सियस, 50 पे 60 डिग्री सेल्सियस और 55 पे 70 डिग्री सेल्सियस, और फिर 60 मिनट पर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी, मतलब 70 मिनट पे आप देखें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और इसके बाद 75 मिनट पे भी अगेन 100 डिग्री सेल्सियस है। ये बॉइलिंग पॉइंट है और इस पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और तब तक कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक सारा जो लिक्विड है वो स्टीम में चेंज ना हो जाए। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम और टेम्परेचर के दरमियान। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने ग्राफ जो है वो पहले ड्रॉ कर लिए। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है मैंने, ठीक है, 140 तक मैंने जो है वो टेम्परेचर की रीडिंग ली है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है मिनट में, ठीक है। सो मैंने वाई एक्सिस पे जो टेम्परेचर लिया उसमें 1 बिग बॉक्स जो है वो 20 के बराबर लिया है। सो पहला पॉइंट मेरा -20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का, फिर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, फिर 60 डिग्री सेल्सियस, तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का, क्योंकि मैंने 1 बिग बॉक्स 20 के बराबर लिया है। और एक्स एक्सिस पे मैंने 1 बिग बॉक्स 10 के बराबर लिया है। पहला पॉइंट जो है वो 0 है एक्स एक्सिस पे, और दूसरा 10 है, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन। सो 0
मिनट पर जो था वो टेम्परेचर कितना था, -20 डिग्री सेल्सियस पॉइंट ड्रॉ कर दिया, और फिर 5 मिनट पे -10 डिग्री सेल्सियस पॉइंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 10 मिनट पर जो है वो टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। 15 मिनट पर जो है वो टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद 20 मिनट पे जो टेम्परेचर है वो अगेन 0 डिग्री सेल्सियस था। और ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हम हीट कर रहे हैं वो पहले सारी की सारी आइस को मेल्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ही सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, फिर टेम्परेचर आप देखें इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। 25 मिनट पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, वहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। फिर इसी तरह 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का, एंड सो ऑन, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाए मैंने पॉइंट उस हिसाब से ड्रॉ कर दिए ग्राफ में। अब देखें 70 मिनट पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, ठीक है, वो मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। और 75 मिनट पे भी 100 डिग्री सेल्सियस था, और 80 पे भी 100 डिग्री सेल्सियस था। सो ये बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया है। अब हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइस जब वाटर में चेंज हो रही थी, मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही थी, मेल्ट हो रही थी, तो आपने देखा था टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट हो गया था 0 डिग्री सेल्सियस, हालांकि हम स्लो हीटिंग कर रहे थे। और टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा था, क्योंकि वो जो हीट थी वो बेसिकली क्या कर रही थी, सारी की सारी आइस को मेल्ट कर रही थी वाटर में, ठीक है। और फिर जैसे ही सारी आइस मेल्ट होगी वाटर में लिक्विड स्टेट में, तो फिर क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वाटर जो था वो बॉयल करना शुरू हो गया था। और ये टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा का सारा जो वाटर है, लिक्विड वाटर, वो स्टीम में चेंज ना हो जाए।